हमारे जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं। कोई इन कठिनाइयों से हार मान जाता है तो कोई इनका डटकर मुकाबला करता है। आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने जीवन की मुसीबतों से हारने की बजाय उनका मुकाबला किया। हम बात कर रहे हैं अमेठी की सुनीता देवी की। ये एक ऐसी महिला है जिन्हें कठिन समय में किसी से भी मदद नहीं मिली तो नया कौशल सीखकर इसे ही अपनी ताकत बना लिया और अपनी सहायता स्वयं की। आज सुनीता स्वयं तो आत्मनिर्भर बनी ही है, साथ ही अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार दे रही है। आपको बता दें कि पहले सुनीता केवल घर संभालती थी, पति का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था। तब सुनीता ने पति के साथ मिलकर कुछ करने का निर्णय लिया। पहले उन्होंने पंजाब जाकर ट्रैक सूट बनाने का काम सीखा। ट्रैक सूट बनाने के दौरान सुनीता ने ठान लिया था कि इस काम की शुरुआत तो वे अपने जनपद से ही करेंगी। सुनीता अपने कारखाने में ही ट्रैक सूट तैयार करवाने लगी। आज इनके ट्रैक सूट की सिर्फ अमेठी जिले में ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों और अन्य राज्यों तक भारी डिमांड है। आज सुनीता रोजगार की ब्रांड एम्बेसडर बन गई है। आज सुनीता अपने रोजगार के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। इनके सहारा समूह में करीब 5 लोग काम कर रहे हैं जिनको सुनीता ने रोजगार दिया है और आज वे भी रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन गए हैं। सुनीता जैसी नारियां ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ाकर देश के आम मध्य वर्ग की ताकत बन रही हैं। उनके आत्मबल का परिणाम ही है कि आज वे अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन बदल रही हैं।